स्टडी पब्लिश की थी जिसमें कहा था कि सोशल मीडिया गृह युद्ध कराने में सक्षम है, और मुझे लगता है कि संभवतः वो समय आज है। और सेना की सेवा के बाद अब जब मैं देखता हूं को अपने को फिर से एक सेनानी के रूप में पाता हूं, तो सोशल मीडिया में जो तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उनको किस तरीके से हम मुकाबला करके अपनी जो भी सीमित सक्षमताएं हैं उनका कैसे हम काउंटर नैरेटिव तैयार करें, क्योंकि बहुत गंदगी फैली हुई है सोशल मीडिया में। देखिए, एक बात तो यह है कि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी अगर आपके पास टाइम हो, और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हो जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ या कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर शेक हो जाए। तो आप लोग जैसे एक्ट है इसको स्ट्रांगली, इसी तरह से सरकार के अंदर में कई चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि बातें बिल्कुल गलत है। अगर डिफेंस फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड लोग इस तरह से वो करें तो एक वो कर सकते। एक बात यह है कि अगर रिसर्च हो सके और काम करने का टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ये हो, उसमें कुछ करके सोशल मीडिया में कुछ समय समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बने जब कोई घटना घटे। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया कि मान लिया जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर लेता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं, पर यह हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें लिया गया कि फर्चुअली कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छी रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तो कुछ स्टेबल। और हमारे यहाँ जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 18-12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद उसको कोई ये है थोड़ा सा। बाकी मेरे ख्याल से देश के अंदर में पैट्रियट्स की कमी भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, लेकिन दुखने पास कुछ टाइम कम होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा अफर्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ता है। एक बात ये होती है कभी कभी कि क्या सरकार को कानून बनाना चाहिए सोशल मीडिया को। अब कुछ तो है जहाँ पर किसी की लाइफ का थ्रेट है या कुछ है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की आवाज को करें उसका नेगेटिव असर ज्यादा, शायद इसका धीरे धीरे प्रभाव जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं रहेगा। सर यू मेंशन्ड अबाउट हाउ कलेक्टिव यूनिटी इन आवर पास्ट आवर फेलिंग ऑफ नॉट बीइंग एड्रेसिंग आवर कलेक्टिव यूनिटी इन द पास्ट हैज लेड टू आवर फेलिंग्स। I want to understand from you that for a country as diverse as India, how you bring that collective unity and from there bring that civilizational entity.
from becoming a nation. And a follow-up to that is that how the Indian media can make this civilization entity more harnessed. And if I also can get to you, General Bakshi, I want to understand from you that how our strategy can make us harness our civilizational potential and our becoming a civilization history into a nation. You know, this unity comes when you have a commonality about this. What is this thing that you have common? The thing of your past. It cannot happen that in my past, your hero is my villain, and my villain is your hero. It cannot happen that I say Maharana Pratap was a great warrior, and you say no, that he was a, just a mercenary who was doing it for the sake of his some personal benefits and others. So one thing that is important in building up that this thing of nationhood and this thing is that, that is what the Rolleres and the French philosopher had said. Nationhood, there is a difference between a nation and a state. Nation can exist, India was a nation even when it was occupied by this. It was not a state. It became a state after it became independent. Indian nationalism is incomplete without Shivaji or Maharana Pratap or Chanakya. It is not the citizenship. Their citizenship probably expired on the date of your death, but you are part of your national existence. So you are common this thing in the past. Your common vision of the future. Now, how do you build a common pride in this thing? What is this about? Basically, a sense of common this thing of this thing in everybody's past. When we say about Mauryans or say about Kautilya or Mahabharata and things like that, then people will live in. That is the thing of the common past. Second is about the hope of the common future. That brings the society to you. Third is common perception of the enemy. That is, we all should have who is our enemy and who is the same. It's not that you consider